आतंकवाद को घर से निकालते हुए हमारे पीरियड छोटे गए। आपने क्लिप देखी, इसके बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से किस प्रकार से जो सनातन धर्म के जो घर हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनके घरों में जा जाकर देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। भीम आर्मी के नाम पर, बाम सैफ के नाम पर इस प्रकार का जहर घोला जा रहा, ये सारा ईसाई मिशनरीज का जो है किया धरा है, चल रहा बड़े तौर पर, क्योंकि मुस्लिम जबरन ज्यादा करवाते हैं, ये ईसाई धर्मांतरण का काम है। मुस्लिम भी इसमें शामिल है, इसमें कम्युनिस्ट भी शामिल है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं ये बात, अनेकों जगह मैंने वीडियोस भी दी, क्लिप भी दी है, निकाल करके लाया भी हूं मैं। एक छोटी सी क्लिप और देखिए आप। आपने क्लिप देखी, इसमें एक महिला कह रही है, नहीं भाई नहीं भाई नहीं, रुक जा नहीं भाई, और ये रुक नहीं रहे हैं, ये कह रहे जब तक डरोगी अम्मा ऐसा ही चलता रहेगा, अर्थात इनको फाड़ने दो तुम। और सारे के सारे पूरे घर की, मैंने ये दोनों क्लिप छोटी छोटी दिखाई, बहुत बड़ी क्लिप है ये। इसमें सनातन धर्म के देवी देवताओं के विरुद्ध, शिव के विरुद्ध और श्री कृष्ण के विरुद्ध, जो काली माता के विरुद्ध बहुत सारे अपशब्द कहे गए हैं, गलत गालियां दी गई। इन लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूं, यदि यही काम तुम अल्लाह के विरुद्ध करोगे, जानते हो क्या हश्र होगा? पूरी बस्ती को जला देंगे, एक एक को गाजर मूली की तरह काट देंगे। यही तो अंतर है सनातन धर्म में और अन्य मतपंथ संप्रदाय में, यही तो है शांति और भाईचारे का धर्म है। और वो जो है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, उसके उपरांत ही तो तुम ये कर पाते हो, ये सहिष्णुता का धर्म है, तब ये कर पाते हो, अन्यथा कर नहीं पाओगे। श्री कृष्ण के विरुद्ध जो तुम जहर उगलते हो, गालियां देते हो, स्पष्ट रूप से इन वीडियोस में है। जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, यहां पर महिला मना कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, शासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? जबरन धर्म परिवर्तन पर सजा है? कोई सजा हुई? कोई देने वाला है? कोई नहीं है। ये चल रहा है इस देश में। फिर कहते हो भीम आर्मी के विरुद्ध बोलते हो, बाम सैफ के विरुद्ध बोलते हो, ईसाई मिशनरीज के विरुद्ध बोलते हो, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? इस देश को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि सनातन धर्म और हिंदू धर्म अल्पसंख्यक हो गए, यदि सनातन धर्मी, तो जान लीजिए इस देश के इतने टुकड़े होंगे, कल्पना नहीं कर पाओगे। और पहला विनाश करेंगे आपका, आपको हिंदुओं से अलग करके, और कुत्ते जितनी औकात होती है इनमें धर्म परिवर्तन करने वालों की, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं रहेगी। जाओगे कहां इनमें? ऑर्थोडॉक्स बनोगे, कैथोलिक बनोगे, प्रोटेस्टेंट बनोगे, मुस्लिमों के क्या बनोगे? 72 फिरके हैं और फिर 36 जात तो ये है, 308 जात है, बनोगे क्या वहां पर? बुद्ध और जैनों में जाओगे, श्वेतांबर बनोगे, पीतांबर, दिगंबर, जैनों में जाओगे, करोगे क्या तुम? तो अपने सनातन धर्म को छोड़कर जा रहे उन लोगों के विरुद्ध यदि मैं बोल रहा हूं, और श्रेष्ठ धर्म को छोड़ रहे उनके विरुद्ध यदि मैं बोल रहा हूं, तो आप मुझे दलित विरोधी कहोगे, 100 बार कह सकते हैं। जितना विरोध अब करें उससे कई गुना ज्यादा करिए, रुकने वाला नहीं हूं। तथ्य और प्रमाण के साथ बात करता हूं, कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। और उसके उपरांत यदि मेरा विरोध करते हो, प्रमाण देने के उपरांत भी, तो निश्चित रूप से आपसे बड़ा स्वार्थी, आपसे बड़ा झूठा, आपसे बड़ा मक्कार, आपसे बड़ा देशद्रोही और धर्मद्रोही इस संसार में और कोई नहीं हो सकता।